सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आज डिस्कस करेंगे ए केयर किट के बारे में कि ए केयर किट का यूज़ कब और कैसे करना होता है। साथ ही जानेंगे कि जब आप इस किट की टैबलेट्स को खाओगे तो शरीर में ये क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। साथ ही जानेंगे कि ब्लीडिंग कितने टाइम में होती है, कैसे होती है, कितनी होती है और कब ये रुक जाती है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस किट के रिगार्डिंग अपनी ओपिनियन दूंगा, तो काफ़ी वीडियो ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ए केयर किट में आपको 5 टैबलेट मिलती है। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन होती है 200 माइक्रोग्राम की, और पेंडिंग 4 टैबलेट्स जो होती हैं उनका नाम है मिजोप्रोस्टोल, और एक टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की होती है। आगे बात करते हैं कि ये शरीर में काम कैसे करती हैं। तो गाइस, जो पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, ये जो प्रेगनेंसी का जरूरी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये उसको ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिससे प्रेगनेंसी की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है और प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। और जो पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं, ये यूट्रस में जो बच्चेदानी है उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन सकुड़न पैदा करती हैं, और जो प्रेगनेंसी का मटेरियल होता है वो यूट्रस से बच्चेदानी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी ये टैबलेट काम करती हैं। आगे बात करती हैं कि इन टैबलेट्स को कब और कैसे यूज़ करना होता है। तो गाइस देखिए, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की बात आती है तो एक आइडियल टाइम पीरियड माना जाता है 30 दिन का। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए, और 30 दिन की इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 30 दिन में, कम से कम 30 दिन में जो बच्चा है, जो फीटस है, वो यूट्रस में अच्छी तरह से इम्प्लांट हो जाता है, प्रॉपरली इम्प्लांट होता है। ठीक है, अब अगर आप 30 दिन से पहले अगर ये किट ले लोगे तो क्या होगा कि बेबी यूट्रस में अच्छे से इम्प्लांट नहीं है, तो आपको प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होगी, रुक रुक कर होगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी, और जो ये प्रोसेस था प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, ये प्रोलोंग हो जाता है। कईयों को एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीने तक ब्लीडिंग रहती है अपनी मिस्टेक के कारण। ठीक है, तो कम से कम 30 दिन की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, और मैक्सिमम 49 डेज की प्रेगनेंसी एक आइडियल टाइम पीरियड माना जाता है। मतलब कि 30 से 49 डेज, 30 टू 49 डेज की अगर प्रेगनेंसी है तो ये एक आइडियल टाइम पीरियड माना जाएगा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। ठीक है, और अगर आप 49 डेज से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहोगे और अगर आप ये किट ले लोगे तो जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का प्रोसीजर था वो कंप्लीट नहीं होगा, और ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली रहेगी, और ब्लीडिंग होते होते पेशेंट का जो ब्लड लॉस होगा और फिर बीपी फॉल होगा, और फिर पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और आपको डीएनसी करवानी पड़ सकती है। ठीक है, तो जो आइडियल टाइम पीरियड था वो 30 दिन से 49 दिन का होता है। ठीक है, अब ये तो था कि इस किट को कब देना होता है, आगे बात करते हैं कैसे देना होता है। तो जो पहली टैबलेट है वो है मिफेप्रिस्टोन, इस टैबलेट को आपने सुबह के टाइम ही देना होता है। और मान लीजिए कि आपने सुबह 10 बजे इस टैबलेट को देना है तो सुबह 8 बजे आपने हल्का खाना खिलाना है, और 2 घंटे के बाद आपने ये टैबलेट पानी के साथ देनी है, निगलनी है। ठीक है, इस टैबलेट को पानी के साथ आप निगल सकती हो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टेकिंग लाइट मील इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, आइडियल टाइम पीरियड है दिन के समय देने का, रात में नहीं देनी है। ठीक है, आगे जो पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं वो आपने 48 आवर्स के बाद में देनी है। ठीक है, क्यों देनी होती है 48 आवर्स के बाद में, क्योंकि जो पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये प्रोजेस्टेरोन को बंद करती है, ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है, और प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने का एक जरूरी हार्मोन। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट होने के लिए कम से कम कितना समय चाहिए, 48 आवर्स। अगर आप उससे पहले ये टैबलेट
दे दोगे, मतलब कि मिफेप्रिस्टोन आपने टैबलेट दी है उसके 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद अगर आप ये टैबलेट्स दे दोगे तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट तो हुई नहीं है, और अगर आप टैबलेट ये दे दोगे तो फिर ये टैबलेट्स अच्छे से काम नहीं करेगी, और फिर आपका जो एक्सपेक्ट करते हो आप जो टर्मिनेशन प्रोसीजर है वो अच्छे से नहीं होगा, फिर जो टर्मिनेशन प्रोसीजर है वो प्रोलोंग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो कम से कम 48 आवर्स का टाइम होता है। तो ये जो पहली टैबलेट थी मिफेप्रिस्टोन ये आपने दे दी, उसके 48 आवर्स के बाद में आपने मिसोप्रोस्टोल टैबलेट देनी है। देने के काफ़ी सारे मेथड हैं लेकिन इसका सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड होता है वो है 48 आवर्स के बाद में आपने सुबह 8 बजे, मतलब कि 46 आवर्स के बाद में सुबह 8 बजे आपने लाइट ब्रेकफास्ट करवाना है, और फिर 48 आवर्स मतलब कि सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे आपने दो टैबलेट्स जीभ के नीचे रखवानी है मिसोप्रोस्टोल की, मतलब कि 400 माइक्रोग्राम की जो दो टैबलेट्स होंगी वो अपनी जीभ के नीचे रखवानी है, या फिर आप इसको बकल कैविटी में, मतलब कि जो चिक्स और गम्स के बीच की कैविटी है गालों के बीच में, आप वहाँ पर इन टैबलेट्स को रखवा सकते हो, ठीक है। इन टैबलेट्स को रखवाने पर जो इन टैबलेट्स का टेस्ट है, पहले तो इसका टेस्ट नहीं आएगा आपको, और जैसे जैसे ये टैबलेट डिसॉल्व होंगी, जैसे जैसे ये टैबलेट्स घुलेंगी तो इसका जो टेस्ट होगा आपको चाक जैसा लगेगा, मतलब कि सेम वैसा जैसा ब्लैक बोर्ड पर हम चौक के साथ लिखते हैं सेम वैसा ही आपको फीलिंग आएगी, और थोड़ा कड़वा कड़वा इसका टेस्ट आपको आने लगेगा। जो ये टैबलेट्स हैं ये विद इन 30 मिनट में घुल जाती हैं, या फिर आप अपने सलाइवा से, मतलब कि थूक से इसको गला सकते हो, और जो थूक होगा जो सलाइवा होगा वो आपने निगलना है, बाहर नहीं फेंकना, ठीक है। और जब आप इन टैबलेट्स को डिसॉल्व कर लोगे 30 मिनट के बाद में, ठीक है, तो 30 मिनट के बाद में 3 to 4 hours के बीच में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और जो पेंडिंग 2 टैबलेट्स हैं वो आपने 3 hours, आफ्टर 3 hours आपने दोबारा रिपीट करनी है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, आपने जो टैबलेट्स हैं वो जीभ के नीचे रखनी है, या फिर आप बकल कैविटी में आप ये टैबलेट्स रख सकते हो, ठीक है। और ये जो टैबलेट्स हैं विद इन 30 मिनट में अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं, या आप अपने सलाइवा से इसको डिसॉल्व कर सकते हो, वही सेम टेस्ट आएगा आपको चाक जैसा जैसे जैसे ये टैबलेट्स डिसॉल्व होंगी। और जो ब्लीडिंग थी वो आपको 3 to 4 hours में शुरू हो जाती हैं। आगे बात करते हैं कि इन टैबलेट्स को लेने पर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो गाइज देखिए, जो पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, इस टैबलेट को लेने पर कुछ भी नहीं होता है, जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का प्रोसीजर है वो शुरू तो हो जाता है लेकिन आपको उसके साइन और सिम्टम्स महसूस नहीं होते, ना ही आपको उल्टी महसूस होगी, ना ही आपको वो ब्लीडिंग महसूस होगी जो कि टर्मिनेशन प्रोसीजर में होती है। लेकिन कई फीमेल्स को लाइट एब्डोमन पेन या फिर लाइट स्पॉट या फिर लाइट ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन इन टैबलेट्स को लेने पर नोजिया होने लगता है, मतलब कि उल्टी जैसा, मितलाई जैसा फील होने लगता है, कई बारी वोमिटिंग भी हो जाती है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड होता है पहली टैबलेट को लेने पर। और लास्ट की जो 4 टैबलेट्स हैं मिसोप्रोस्टोल, इन टैबलेट्स को लेने पर 3 to 4 hours के अराउंड आपको, पहले तो आपको एब्डोमन क्रैम्प्स आएंगे, मतलब कि एब्डोमन पेन होगा पूरा अच्छे से, लाइक ऐसा होगा पेन जैसा कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा होगा शुरू में, पहले एब्डोमन क्रैम्प्स आएंगे, काफ़ी दर्द होगा, उसके बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी विद इन 4 hours। लेकिन कई बारी ऐसा भी होता है कि मेडिकल हिस्ट्री में जो पेशेंट है उन्होंने इन टैबलेट्स को यूज़ किया होता है, तो जो टाइम पीरियड होता है ब्लीडिंग का वो 24 आवर्स तक भी एक्सटेंड कर जाता है, तो आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना है। लेकिन अगर 24 घंटे में भी अगर आपको ना ही एब्डोमन क्रैम्प्स आ रहे हैं और ना ही ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो उसका मतलब ये है कि इस किट ने काम नहीं किया। तो ऐसे केस में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर आप हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर ईमेल कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो।
ठीक है। आगे बात करते हैं कि इन टैबलेट्स का यूज़, इस किट का यूज़ किन लोगों को नहीं करना होता। तो पहली कंडीशन है एनीमिया। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम है, एचबी कम है, तो आपको इन टैबलेट्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन टैबलेट्स के यूज़ करने पर ब्लीडिंग होती है। और अगर आपका ऑलरेडी एचबी कम है तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, इनफैक्ट आपको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। दूसरा है, अगर आपने कॉपर टी या फिर इंट्रायूटेरिन डिवाइस इम्प्लांट कराई हुई है, तो ऐसे केस में भी आपने इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना है। पहले कॉपर टी या फिर आईयूडी डिवाइस को आपने निकलवाना है, उसके बाद आप इन टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हो। तीसरी कंडीशन है, अगर आप कोई स्टेरॉइड थेरेपी पर हो या फिर मेडिकेशन थेरेपी पर हो, मतलब कि बीपी, शुगर, थायराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल की अगर आपको ये मेडिसिन चल रही है, तो आपने इन टैबलेट्स का यूज़ नहीं करना है। साथ ही अगर आपको कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन चल रही है, तो भी आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है इन टैबलेट्स को लेने से पहले, ठीक है। साथ ही अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, मतलब कि आपकी मदर या सिस्टर को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर ओवेरियन सिस्ट या पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तब भी आपने अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है। ओके, तो ये तो बात थी कि किन लोगों को इन टैबलेट्स को नहीं लेना होता। आगे बात करते हैं कि इन टैबलेट्स को यूज़ करने पर आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो पहला है हैवी ब्लीडिंग। कितनी हैवी ब्लीडिंग? तो गाइस देखिए, अगर आपको 2 आवर्स में 2 पैड से ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। और अगर आपको हैवी ब्लीडिंग मोर देन 24 आवर्स से ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस टैबलेट ने रिएक्शन किया है, साइड इफ़ेक्ट किया है, जिसके चलते आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। दूसरा है एब्डोमन क्रैम्प्स। अब कितने एब्डोमन क्रैम्प्स, मतलब कि कितना पेन? तो पहले दिन, मतलब कि 24 आवर्स, जो फर्स्ट के 24 आवर्स हैं, उसमें तो पेन होना एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आपको ये पेन मोर देन 24 आवर्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और पेन किलर खाने के बाद भी ये दर्द कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट ने आपको साइड इफ़ेक्ट किया है, जिसके चलते आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। तीसरा है, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, या फिर वजाइनली डिस्चार्ज काफ़ी गंदा है, कोई आपको गंदी स्मेल आ रही है, या फिर येलो कलर का कोई फ्लूड निकल रहा है, वजाइनली डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। तो ये तो बात थी कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे बात करते हैं कि इन टैबलेट्स को लेने पर क्या क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इन टैबलेट्स को लेने पर, जो पहली टैबलेट है उसको लेने पर आपको ब्लीडिंग शुरू नहीं होगी, और जो सेकंड डोज होती है मिसोप्रोस्टोल की 4 टैबलेट्स की, जब आप इन टैबलेट्स को लोगे, तो इन टैबलेट्स को लेने पर विद इन 30 मिनट to 4 आवर्स के बीच में आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फर्स्ट 24 आवर्स आपको ब्लीडिंग ज़्यादा रहेगी, फिर ये धीरे 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 होके कम हो जाती है, और 10 दिन के होते होते ये कम होते होते ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो विद इन 10 डेज ये जो पूरा प्रोसीजर है ये ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग 14th डे पर पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलते हैं, ताकि देखा जा सके कि जो प्रेगनेंसी मटीरियल था वो अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और कई बारी पेशेंट गलती करते हैं कि वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को जल्दी कर लेती हैं। तो गाइस देखिए, ऐसे केस में आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी नहीं करना है। पहले दिन जो आपने टैबलेट ली है, उसके अराउंड 28 डेज आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। कम से कम 21 दिन तो होनी चाहिए, तो 21 से 28 दिन के अराउंड आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। क्यों करना होता है? क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम में बेटा एससीजी हार्मोन, मतलब कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पर लगातार सीक्रेट होता है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में रहता है, और ये रहने का जो टाइम पीरियड है वो कम से कम 21 से 28 दिन के अराउंड का होता है। तो ये इतने टाइम पीरियड पर आपके ब्लड स्ट्रीम में पाया जा सकता है। तो उससे पहले अगर आप टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव दिखाएगा, फिर आप बिना वजह परेशान होगे। इसीलिए आपको अराउंड 28 डेज आपको टेस्ट करवाना चाहिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और अल्ट्रासाउंड आप 14th डे पर करवा सकते हो।
आगे गाइस बात करते हैं कि मेरी ओपिनियन क्या है इस किट के रिगार्डिंग। तो गाइस मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप इस किट को यूज़ करें, क्योंकि जो पेशेंट मेरे से कंसल्ट करते हैं, पहली बात तो देखिए कि मैं इस किट की एडवाइस नहीं करता हूँ। मैं जो पेशेंट्स हैं उन्हें मैफेजेस्ट किट या फिर अनवांटेड किट या फिर MTP किट जो सिप्ला कंपनी बनाती है, इन तीन किट्स को ही बोलता हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट है मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है हर केस में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करती हैं उनमें अधिकतर प्रॉब्लम्स जो इनकम्प्लीट टर्मिनेशन को लेकर होती है या अदर कॉम्प्लिकेशंस होती है, हैवी ब्लीडिंग या फिर जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो टर्मिनेशन के बाद पीरियड साइकिल जिनका अब्सेंस रह जाता है, एमनोरिया की प्रॉब्लम होती है, वो इस किट को लेने पर ही होती है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप इस किट को यूज़ करें, लेकिन अगर आपने ये किट यूज़ करी है और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो लेट मी नो, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स भी जान सकें कि इस किट को यूज़ करने पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेक श्योर इस चैनल पर अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।